दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर सिलेबस के बारे में, ऑफिशियल सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो पिछला सिलेबस है वो JKSSB की वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पुराने नोटिफिकेशन होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, और आप सभी में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास सिलेबस जो है डिलीट हो चुका होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे कि जो नए कैंडिडेट्स हैं वो कमेंट कर रहे थे कि हमें JK पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए प्रेपरेशन करनी है, तो हमें डिटेल वाइज सिलेबस बताइए। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं, और JK पुलिस से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो हमारे चैनल पे सबसे पहले दी जाती है। हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल वाइज सिलेबस डिस्कशन टॉपिक वाइज आपको इस वीडियो में बताएंगे। एग्जाम पैटर्न के साथ साथ आपको PDF कैसे डाउनलोड करनी है, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए आप देखना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन है जो है मिल सके। और JKSSB के लिए मॉक टेस्ट क्यूज ग्रुप कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिसमें स्टडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहता है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। और टाइमिंग की बात करें तो तकरीबन 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहता है। तो चलिए उसके बाद बात करें इसमें जो है क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं। सबसे पहले बात करें तो करंट इवेंट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि जो आपके करंट अफेयर में न्यूज़ में नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज़ रही होगी वो आपकी यहाँ पे रहेगी। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। और थर्ड नंबर पे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको यहाँ पे, इंडियन के साथ साथ आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, फिजिकल सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फोर्थ नंबर की बात करें, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायती राज पब्लिक पॉलिसी राइट इश्यूज एटसेट्रा, ये आपको यहाँ पे पढ़ के जाने होंगे। फिफ्थ की बात करें तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन दोस्तों आपको पढ़ के जाना होगा 2019 वाला, एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर अडेप्शन ऑर्डर्स इशूड देयर अंडर, ये भी आपको यहाँ पे रीड आउट करके जाना होगा। उसके बाद सिक्स की बात करें, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एट्सेट्रा, ये जो सिक्स नंबर का टॉपिक रहेगा। सेवन्थ की बात करें, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जी हाँ दोस्तों। और साथ में एट्थ की बात करें, एट जो है आपके जनरल इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश की मैं अभी टॉपिक आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा पहले ये डिस्कस जो है ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस कर लूँ, फिर मैं आपको टॉपिक वाइज भी बताऊंगा जनरल इंग्लिश के अंदर। फिर नाइन्थ नंबर की बात करें, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ये एक आपका टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद जनरल साइंस आपकी रहेगी। फिर इलेवंथ की बात करें तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज वेरियस फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट एंड देयर यूजेज, ये आपको यहाँ पर रीड आउट करके जाना होगा। फिर आपको जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, जो कि जनरल बेसिक लेवल का। और उसके बाद दोस्तों बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग आपको यहाँ पे करके जानी होगी। फिर 14 की बात करें तो बेसिक न्यूमरेसी नंबर एंड देयर रिलेशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट ग्राफ टेबल डाटा सफिशेंसी, ये जो 10th अप टू 10th लेवल का ये जो है आपको पढ़ के जाना होगा, ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों की आपको डिटेल वाइज सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर क्या क्या आता है। ऑड वन आउट, पेयर इन्फॉर्मेशन, कोडिंग इक्वेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग रिलेशनशिप। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर क्लॉक, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, डाइस हो गया आपका दोस्तों, डाइस के साथ साथ यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, और सेलेगोइज्म, ये जो चैप्टर है आपका रहेगा। और चलिए मैथ के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पे मैथ में क्या क्या रहता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपका नंबर सिस्टम रहेगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, LCM, HCF, स्केयर एंड स्केयर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एज डिटर्मिनेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, आप सभी को पता ही होगा, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, और जो आपके सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, और टाइम एंड वर्क के, तो ये देख सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
फिर टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मंसुरेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये जो आपका चैप्टर है ये दोस्तों यहाँ पे रहेगा। अब दोस्तों जनरल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में आपका वर्ब चैप्टर रहता है, टेंस चैप्टर रहता है, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब और ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वोकैबुलरी, साइनोमियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों ये जो सिलेबस है, ये जो टॉपिक्स है, ये सभी प्रीवियस एग्जाम्स को लेकर यहाँ पे जो है बनाया गया है, तो ये मैं आपको पीडीएफ के साथ अटैच कर दूंगा। आप जो है पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है अब मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दिए होंगे, एक हमारा डिस्कशन वाला स्टडी वाला ग्रुप का लिंक होगा टेलीग्राम का और एक हमारा मेन चैनल होगा। आप दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो, इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट कोई भी अपडेट आएगी जेके पीएसआई से जुड़ी तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।